मॉर्निंग, रुक जाओ मैं फैन ऑफ करती हूँ। अभी टाइम सुबह के 6:30 बजे हैं, बहुत नहीं एंड एक फैन वो वाला, चलो ठीक है 6:30 बजे हैं और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ क्योंकि अभी 8 बजे तक हमें निकलना है, हमारा फ्लाइट है। मैं जा रही हूँ उड़ीसा, माहिका के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। आई नो बहुत सारे स्कूल्स में ना अभी समर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब उनका नेक्स्ट ईयर के सिलेबस वगैरह सब कुछ चल रहा है, लेकिन माहिका के स्कूल में ऐसा नहीं है। बहुत ही सवाल था कि माहिका का स्कूल में क्या है, तो माहिका के स्कूल में फर्स्ट उसका हो गया, उसके रिजल्ट्स भी आ गए, उसने बहुत अच्छा करा है रिजल्ट। एंड 1 स्टैंडर्ड में आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो बताओ? तो एक सेकेंड रुकना, ये क्या हो गया है? मैंने ना कल इतना ज़्यादा तेल लगाया था बालों में कि मैं मम्मी सुबह सुबह डांट भी रही थी कि बाल हेयर वॉश क्यों करी इतनी सुबह, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैंने सूख जाएंगे जाते जाते, गर्म पानी में ही तो धोना है अभी। तो बस नहा लिया है, चेंज करूँगी, माइका को उठाया हुआ है कि माइका उठ जा चलो चलते हैं, उसको यह है कि मम्मा अभी नहीं उठना है, मम्मा स्कूल छुट्टी है, फिर भी उठा दे रही हो आप लोग मेरे को। तो पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है, नीचे है सामान। मैं सोच रही थी कि मैं इस बार कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी, तो मैं जब भी सोचती मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगी, मेरे एक सूटकेस होगा, मेरे पता नहीं कैसे 2 सूटकेस हो जाते हैं, मेरा लगेज कभी कम होता ही नहीं मेरे हाथ से, हमेशा मतलब ज़्यादा ज़्यादा ही होता है। मैं जा रही हूँ, ये नहीं जा रहे, महेंद्र नहीं जा रहे, मैं, माहिका, मोक्षित सब लोग जा रहे हैं, मम्मी भी जा रही है, तो चलो चलते हैं वापस उड़ीसा। पहले तो चाय पीना था मेरे को, सिर इतना दुख रहा था, रात भर में बैठ के काम सोई भी नहीं हूँ, मैं काम कर रही थी, जितना मेरे पेंडिंग काम थे मैंने ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कराया कि मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि डिले लेट हो जाएगा, अभी वहाँ पे जाके करो ये वो मुश्किल हो जाएगा करके वो सारा कंप्लीट करा। फिर जैसे ही नहा के किचन में गई कि चलो चाय पीती हो, दूध नहीं था यार, दूध वाले भैया अभी तक आए नहीं, आ जाएंगे होपफुली। एंड ये देखो स्किन थोड़ा सा अच्छा हो गया, किसने कल मेरे को बोला था, मोना तो एक एक जो वर्ड है उसको इतनी बार रिपीट करती हो, इरिटेट लगता है, क्या टैनिंग कर रही हो यार, वो बात करते करते ना कभी कभी हो जाता है, अभी मैं स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ रही हूँ ना बताओ, वो हो जाता है कि कुछ भी बोलते जाओ, कई बार ऐसे 2-3 बार ना एक एक चीज़ हो जाती है। और ये मेरे नाखून पता नहीं क्यों, मेरे में विटामिन की कमी हो रही है, शायद मेरे नाखून टूट रहे हैं अजीब से ओके, मैं देखती हूँ घर जाके, मैं सारा केयर करूँगी, पूरे यहाँ से लेके पैरों तक केयर करूँगी, सोच के जा रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं होने वाला मेरे को पता है, वहाँ पे भी है मोक्ष के पीछे पीछे, माया के पीछे पीछे मेरा दिन निकल जाएगा। चलो मैं चलती हूँ नीचे, कुछ करते हैं, मोक्ष को अभी नहीं उठाऊँगी क्योंकि 7 भी नहीं बजा है, 7:15 ऐसे में मैं उठाती हूँ ना मोक्ष को, तो वो हो उठ मतलब वो सही से रेडी हो जाएगा, बस मैं पहले रेडी हो जाती हूँ फिर हम लोग निकलते हैं घर। एंड आप लोग इस बार समर वेकेशन में क्या कर रहे हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है? चलो चलो चलो, ये देखो इमोशनल होते हुए मेरे बच्चों के पापा। तो आएंगे, महेंद्र भी आएंगे, अब इतना टाइम हमारे साथ जाना, एक्चुअली ये समर वेकेशन प्लान करने का मेन रीज़न माहिका थी, इवन कहीं ना कहीं मोक्ष भी थे, क्योंकि बच्चे बहुत बोर हो जाते घर पे, महेंद्र का भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उनको ऑफिस जाना आना, एंड मैं अकेली, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे कोई रिलेटिव्स है, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो सारे फ्रेंड्स अभी चले भी जा रहे हैं, वो लोग भी छुट्टी में, तो माहिका को था कि मेरे को छुट्टी में जाना है, तो फिर हमने भी इसी के लिए प्लान करा, नहीं तो फिर बच्चे ना घर पे रह के उनको भी थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, अभी वहाँ जाएगी अपनी दादी के साथ, नानी के घर पे, दोनों घर पे घूमेगी, तो उसका भी थोड़ा सा ना माइंड थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो बस अभी हम लोग, हमारा फ्लाइट था करीब 10 बजे, लेकिन हम लोग सुबह 8 बजे निकल गए थे, ऑन टाइम पहुंच गए थे, मैंने ही बोला महेंद्र के मत आओ यार, क्योंकि बाहर तो छोड़ देते हैं, अंदर तो आने देते नहीं है, बेकार में वो हमको बस बाहर तक ड्रॉप करने ही आएंगे, बैकग्राउंड में आपको बहुत नॉइज़ आएगा क्योंकि मेरी नानी का जो घर है ना, मैं अभी वहाँ पर हूँ एंड एकदम मेन रोड के बगल में ही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल की भीड़ है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते वहाँ पर। एंड ये मोक्ष को देख रहे हो ना, बहुत शांत था, बस उसको ये एक्साइटमेंट हो रही थी इस चीज़ों को देख के, एंड जब टेक अप हो रहा था ना फ्लाइट, उसको ऐसा आई थिंक कुछ सेंसेशन पेट में फील हो रहा था, तो वो बोले जा रहे थे कि वो था, मतलब ऐसे शॉक वाला रिएक्शन दे रहा था, क्या ये बताओ, रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, बट ठीक है। 12:30 बजे तक ना हम लोग फिर घर भी आ गए थे, नानी के घर। मैंने जितना डाइटिंग, वेट लॉस, जितना जो 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 भी करके रखा था वो सब कुछ यहाँ से जाते जाते चौपट हो जाएगा। कौन हिला
আসবে রিঙ্কি মা তো কোন নাও চলে মো পড়ো পিঠা খাইবে আ তো নে তৎকালে কোন নাও চলে আই हाय गाय हाय हाय हम मैं सुबह से आके आगे बट उसके नाश्ता खा रहा है नाश्ता ना डिनर कर रहे हैं हम लोग सुबह आगे कल रात में बहुत काम कर रही थी तो पूरी रात में सोई भी नहीं आई हमेशा यही होता है कि मैं नानी के घर आती हूँ लैंड करती हूँ खाना खाती हूँ ऐसे सोती हूँ मैं फिर वो हमेशा ऐसे होता है लेकिन इस बार मैं रुकने वाली हूँ तो ठीक है कोई बात नहीं मैं राइस नहीं खाऊंगी पोड़ो पिठा खाई और ना ही की बहुत लोगों को नहीं पता होगा पोड़ो पिठा क्या होता है जो उड़िया है उनको तो पता है बहुत मतलब उड़ीसा का फेमस होता है सो ये प्लेन बनाया हुआ है इसमें कुछ डला नहीं है काजू नारियल वगैरह सब कुछ डलता है चीनी अच्छी चीनी हाँ गुड़ भी डालते हैं बहुत सारे लोग नारियल डालते हैं काजू बादाम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं बट इस ये जो इडली बनाने का बैटर इडली बैटर है का ना इडली बनाने का बैटर होता है ना उसी से बनता है ये तो ये मैं थोड़ा सा बस इतना सा थोड़ा सा ये मैं पूरा टा खाई परिवे की मो कौन हब्बो आई पेट पड़ जीव मरा मैं ना आपके साथ कुछ कुछ ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ तो ये वाला जो एक ब्लू कलर में वाइट पूरा तीनों कॉटन के ही ड्रेसेस होंगे ये प्योर कॉटन है दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा दुपट्टा है फ्लावर प्रिंट है कलर कॉम्बिनेशन वाइट एंड ब्लू में रेड फ्लावर्स है बहुत प्रिटी लगता है पहनने के बाद ए लाइन कुर्तियाँ हैं प्लाजो पैंट है इसका समर है कॉटन की कुर्तियाँ और क्या ही बताओ अफोर्डेबल प्राइस है बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है अमेजोन से लिया हुआ है एंड आज भी देख रहे हो ना जो मैं पहन के आई थी फ्लाइट में वो भी कॉटन का था उसमें चुन्नी था एंड मैंने सिर्फ इसको कुर्ता एंड प्लाजो की तरह भी आप लोग इसको वेयर कर सकते हो एंड इसमें ना एक पॉकेट भी दिया था वही मैं दिखा रही थी साइड में एक पॉकेट था इसका मेरे को भी बाद में पता चला पहनते टाइम पहले मेरे को आइडिया नहीं था कि इसमें एक पॉकेट भी दिया हुआ है तो मेरे को ना ये बहुत अच्छा लगा ये इस तरह के मटेरियल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ये वाला कपड़ा बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं होता है मैंने इसको धो के ट्राई करा था तो ये श्रिंक नहीं हुआ था इसका लिंक मैं आपको नीचे अमेजोन पे दे दूँगी सॉरी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ से ना आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे को सबसे ज़्यादा तीनों में से ना ये कलर बहुत प्रिटी लगा था वाइट एंड ब्लू कलर का एंड ओ गॉड क्या नॉइज़ है बताओ मैं रात को कर रही हूँ वॉइस ओवर फिर भी इतना ज़्यादा आवाज़ आ रही है ये वाला जो कुर्ती प्लाजो सेट है ये मैं पहन के आई थी आज ब्राउन कलर में है ब्राउन येलो ब्राउन वाला थोड़ा सा कलर होता ना उस तरीके का है एंड उसमें ऐसे डिज़ाइंस हुए हैं ये भी दुपट्टा एंड इसका जो प्लाजो है दोनों का कॉम्बिनेशन कलर का कुछ एक तरीके का है बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका दुपट्टा है एंड कुर्तियाँ भी ए लाइन कुर्ती है प्लाजो पैंट भी काफ़ी कंफर्टेबल सा है तीनों के तीनों एंड इसका ये वाला कलर तीनों का कलर मैंने अलग अलग इस बार रखा मोस्टली क्या होता था मेरे साथ ना नोइंगली अननोइंगली रेड 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 बहुत ज़्यादा होता था तो इसी के लिए मैंने पर्पसली रेड नहीं सिलेक्ट करा बाकी कलर लिए ये भी प्योर कॉटन है बहुत ही अफोर्डेबल इसका रेंज है बट मैं बोल रही थी मैंने नहीं लिया फिर मेरे को याद आया नहीं मैंने लिया हुआ है मरून कलर का तो ये भी कॉटन का है इसको अगर आप चाहो तो कोई भी पूजा में या फिर एथनिक जैसे कहीं बाहर भी जा रहे हो पार्टी वगैरह में ना तो भी आप लोग पहन सकते हो एकदम रिच लुक आता है इसका दुपट्टा एक्चुअली बहुत रिच लुक देता है प्लाजो पैंट में से नीचे बॉर्डर है गोल्डन में एंड ऊपर जैसे सामने फ्रंट में थोड़ा सा नेक पर डिज़ाइन है हैंड पर डिज़ाइंस है प्लाजो थोड़ा सा ढीला ढीला प्लाजो जैसे नहीं होता उस तरीके के है दुपट्टा एक्चुअली इसका ना पूरा लुक चेंज कर देता है इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वैसे भी अमेजोन पर अभी सेल चली हुई है ब्लॉकबस्टर सेल चली हुई है जहाँ पे अमेजोन पे आपको 50-70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है अभी एंड ये भी एक बैगेट का बैग है जो मैं मोस्टली ट्रैवल करते टाइम लेती हूँ मोक्ष को सामान आ जाता है कुछ कुछ मेरे आ जाता है साथ ही साथ एक अटैच स्लिंग भी आपको मिलता है आप चाहो तो उसको डिटैच करके रख सकते हो बट मेरे लिए ईजी रहता है एक और बैग है ये है मम्मी का ये है लैवी का बैग है इतना ज़्यादा स्पेशियस है ना ये मेरे को ये बहुत अच्छा लगा मैं तो पक्का लूँगी ये भी ऐसा एक तो ये मम्मी ने लिया हुआ था बहुत इतने खजाना मिल जाएगा आपको इसके अंदर इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो ठीक है नानी यहाँ पे ना कुछ काउंटर टॉप क्लीन करने का सोच रही थी खाना डिनर बना लिया था गॉड इतना सारा चीज़ें बनाती है मैं तो पूरी रेडी हूँ दोबारा जितना मैंने वेट लॉस करा था अपने पूरी वेट बढ़ा के जाने के लिए यहाँ से कितनों के साथ ऐसा होता है बताओ मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पे इतना सब कुछ खाने को बना लेते हैं सब लोग मैं मना नहीं कर पाती और मेरे में भी ये होता है कि ठीक है यार अभी आए हैं इतना प्यार से बना के दे रहे खा लेती हूँ फिर बाद में कहाँ मैं ऐसा बना के खा पाती हूँ खाना ही मुश्किल हो जाता है अकेले बच्चों के साथ एंड ये देखो मोक्ष क्या कर रहा था पता है यहाँ पे उसको ना मुट्ठी भर ये जो मूंग दाल है उसको चाहिए था मुट्ठी एकदम से
एंड ये क्यों चाहिए था पता है, वो लेके वो पूरा घर पे वो फेंक फेंक के उसको जाना था एंड मैं उसको मना कर रही थी, वो थोड़ा सा रोने जैसा कर रहा था। मेरी नानी उसको बोल रही थी मेरे को दे दे कोई बात नहीं, उसको फेंकने दे, मैं क्लीन कर दूंगी, मैं झाड़ू लगा दूंगी, तू क्यों टेंशन हो रही है। ये जो नानी है तो नानी से भी ऊपर वाली नानी है, सोचो बड़ी नानी है इनकी, तो इतना मैं बोलती चढ़ा के रख रहे हो, देखो आप बहुत बदमाशी करा रहे हो। एंड ये देखो मोक्ष ने क्या करा, पूरा फेंक दिया नीचे 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 करके इसने। एंड उसको तो एकदम लंबा सा मिल गया घर, तो इधर से उधर से उधर। एक टाइम होता था हम लोग ऐसे छुट्टियाँ में आके यहाँ पे ऐसे घूमते रहते थे, एंड अभी देखो मोक्ष यहाँ पे आके ऐसे घूम रहा है, कैसे नीचे से उठा उठा के दिए जा रहे हैं। एंड ये तो पूरा घर रुक ही नहीं रहा था, इधर से उधर से उधर से उधर से उसका था बस घूमना। एंड आप लोगों के समर वेकेशन शुरू हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड मैं आपको ना एक छोटा सा हाउस टूर दूंगी, अभी इस घर में नानी हमारे साथ जाती है उड़ीसा, बट वो नहीं जाएंगी क्योंकि अभी ना घर पे यहाँ पे पेंट होगा, बहुत टाइम हो गया था पेंट नहीं हुआ है, तो ये दीवार वीवार ना कुछ इस तरीके से हो गया है, तो पेंट का काम आई थिंक ख़त्म होगा यही अप्रैल में ही, अभी ख़त्म हो जाएगा, सॉरी मई में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद शायद आएगी, मई 15 तक तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो उसके बाद आएगी। एंड मैंने बहुत पहले एक बार जब आपके साथ शेयर करा था, उस वक्त मेरे नाना जी यहाँ पे थे, तो वहाँ पे ना वो यहाँ पे एक चूल्हा भी होता था, तो लकड़ी लेके मेरे नाना जी चूल्हा लगाते थे, हम लोग सब कुछ वहाँ पे, मैंने एक बहुत अच्छा सा व्लॉग उस वक्त शेयर करा था, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप लोग देखना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। एंड ये पूरा जितना भी सामान है नानी सब कुछ समेट के रखी हुई थी, सब नीचे मोक्ष ने गिराया हुआ है। तो एक स्टिचिंग मशीन है उस वाले रूम में, एंड ये कुछ देखो ऐसे जो दीवारें होती है ना, मैंने एक इंस्टा स्टोरी भी डाली थी, ये जो दीवारों के जिन घरों की ऐसे दीवार इतनी टूटी फूटी हो जाती है, उन घरों में बोलते हैं ना मेमोरीज बहुत होती है। ये देखो नाना नानी दोनों, एंड ये फ़ोटो आई थिंक सोनू ने एक बार लिया था, वो आया हुआ था, उसको फिर बाद में लेके फ्रेम करवाया हुआ है। तो कितना प्यारा, मैं तो बहुत अभी भी मिस करती हूँ यार, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मेरे को मेरे नाना जी की बड़ी याद आती है, क्या ही बताओ। एंड ये एक बेडरूम है, इससे पहले सामने एक हॉल है, मतलब टीवी है, एक बेड है, एक सोफ़ा है वहाँ पे, एंड उसके बाद ये वाला एक बेडरूम है। एंड ये देखो माहिका को एसी लगा हुआ है, ये एक बहुत अच्छी सी बात हो गई, अदरवाइज इतनी मुश्किल हो जाती ना यहाँ पे गर्मी के चलते, बोलो मत। ये मोक्ष, मोक्ष को बस एक खुला सा मैदान दे दो वो बहुत खुश है, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये वाला एक बेडरूम हो गया, उसके बाद दूसरा बेडरूम पे आते हैं, ये जो नीचे जितना भी गिरा है ना ये सारा मोक्ष का हमारा करतूत है, क्या कराया, और ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा हुआ है। एंड ये जो सेल्फ में भी सामान है, आई थिंक नानी अभी बहुत टाइम से यहाँ पे थी भी नहीं, तो उन्होंने समेट भी नहीं पाए होंगे वहाँ पे। तो किचन तो दिखा दिया आपको, एक जो स्टिचिंग मशीन था वो वाला एक बेडरूम, फिर वो दो बेडरूम है, एक हॉल है, मतलब चार रूम है टोटल नीचे, ऊपर वाले जितने घर है वो सारा रेंट पे है। एंड यहाँ पे नानी ना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ये सब कुछ क्लीन करना, मैंने बोला चलो ठीक है रुक जाओ मैं थोड़ा तो कर लेती हूँ, झाड़ू तो यहाँ पे लगा देती हूँ आप दे दो, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस ये जो था डस्टिंग ये काउंटर टॉप का निकाला सारा, नानी कुछ करने नहीं देती है मेरे को, तो बस ये थोड़ा सा मैंने वहाँ पे झाड़ू उसके लगाया, बर्तन निकाल के एक्चुअली कर नहीं पाती है, बात अकेली रहती है ना तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। तो बस उसके बाद ना जैसे मैं आपके साथ एक DIY शेयर नहीं करा था काउंटर टॉप क्लीन करने का, उन्होंने वो वीडियो में देखा था एंड मेरे को बोल रहे थे तूने क्या बनाया था, वो इतना अच्छे से साफ़ हो जाता है, मैंने देखा है तेरा वीडियो, तो वो मेरे को बना के दे दे। उनके पास आई थिंक कोई स्प्रे बॉटल नहीं था, तो कुछ ऐसा सा जुगाड़ से बनवा के मैंने फिर उनको वो जो विनेगर एक कप एंड पानी, थोड़ा सा डिशवॉशर जो होता है एक चम्मच, वो ऐड करके उनको वो लिक्विड बना के दिया, तो फिर वो ना वो यूज़ करने लगी, फिर मेरे को बोलती है इतना बढ़िया से हो गया यार ये सब कुछ। तो बस डिनर तो मैंने कर लिया था एंड नानी यहाँ पे कुछ कुछ रख रही थी एंड बाकी सारा उन्होंने क्लीन करके सेट वेट सब करा, मम्मी भी थी वो भी बाकी कुछ कुछ काम कर रही थी यहाँ पे। तो आज तो इतना ज़्यादा बातचीत इनके साथ हो के पूरा दिन चला गया, आधा दिन तो मेरा सोते सोते ही चला गया, बस शाम को थोड़ा बहुत जो मैंने रिकॉर्ड करा, मासी भी आई हुई थी बट उनके साथ भी इतना बातचीत भी नहीं हो पाया, कल हम लोग वैसे जाएंगे मासी के यहाँ पे। एंड ये देखो किचन मेरी नानी बोल रही थी तो नेक्स्ट टाइम जब आएगी ना तो ये सारा पेंट हो जाएगा, तब तक तो देखना, मैं बोले ठीक है रिटर्न आते टाइम आऊँगी ना तब देखूँगी। तो वही मैं उनको बोल रही थी जितना चीज़ नहीं चाहिए अब सारा फेंक दो, अभी आपको जब पेंट करते तो निकलता है ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी भी नहीं होता रख लेते हम लोग, तो बोलते हाँ मैं वही करूँगी उस वक्त देखो क्या होता है। तो आई थिंक आज ना ये डिनर में बनाया हुआ था पोड़ो पिठा बोलते हैं हम लोग, पोड़ो पिठा एंड छोले पनीर काजू, छोले की एक और सूखी वाली सब्जी, बैंगन का एक जो बोलते हैं ना क्या भरवा बैंगन वो, एंड खीर बना था।
बड़ा मजा आ रहा है, बट साथ ही साथ इतनी गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी है ना यहाँ पे। बोलो मत, मासी आई थी, मासी बोली थी कि यहाँ पे तो इतना गर्मी है, मतलब हमारे घर में, मासी के घर में बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा एसी है, तो इस कमरे से हम लोग निकलने ही नहीं रहे, इतना ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। एंड मतलब बाहर जाओ ना तो एक पत्ता ऐसा नहीं हिल रहा है, मैं देख रही थी बाहर जाके, बोलो मत। तो कल जाएंगे मासी यहाँ पे, ये मेरा, ये मैंने मम्मी ने मेरे को पहनाया हुआ है, नजर लग जाएगी करके ये निकल गया, तो मैंने चूड़ी पे बांधा है, ब्रेसलेट है। मम्मी आएगी तो पहना देगी दोबारा। हाँ तो कुछ नहीं, आज के ब्लॉग एक्चुअली बहुत थक भी गया यार, तो इस वाले वीडियो को, ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल एक और वीडियो के साथ। और कैसे लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मैं इतना क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में मैं नहीं रहने वाली। हाँ इसको देखो, हाय से हेलो, हाय हाय। बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस के चक्कर में यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ, मैं ऐसा बहुत टाइम बाद में आई हूँ यहाँ पे, तो ऐसे रुक रही हूँ, तो अच्छे से इंजॉय करके। एंड मेरी ना तो खाओ को इतना खिला रही है, मैं तो, मेरे को पक्का जाते जाते मेरे को 4-5 किलो बढ़ के ही जाएंगी, इतना तो मैं गारंटी हो गया है मुझे। और क्या, तो चलो मिलते एक और वीडियो के साथ, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।